हेलो हाय एंड नमस्कार सभी को। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको एक ऐसी टिप्स बताऊंगा, ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपके डिवाइस की जो कि आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। दोस्तों आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और उस ट्रिक के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो आपके फ़ोन की बहुत ज़रूरी काम आने वाली चीज़ है। दोस्तों वो क्या है और उसे आपने कहाँ पे ढूंढना है और आपको वह कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो यहाँ पे देखना होगा। दोस्तों ये जो सेटिंग्स हैं ये आपके फ़ोन में हिडन है, इसके लिए आपको कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी होगी और ये फीचर जो है सभी डिवाइसेस में अवेलेबल है। जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस हैं सभी में ये सेटिंग जो है अवेलेबल है, लेकिन इसका पता कुछ ही लोगों को है, मतलब कि 3% लोग ही इसके बारे में जानते हैं। सो दोस्तों कौन सी वो सेटिंग है और उसे आपने कहाँ पर ढूंढना है, उसके लिए आप मेरा पूरा वीडियो यहाँ पर देखते रहिए। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK न्यूज़ टैक चैनल। सो दोस्तों वो सेटिंग आपको मिलेगी, आपने जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग पर चले गए, फिर आपने यहाँ पे एक सेटिंग फाइंड आउट करनी है, वो है गूगल, यानी गूगल सेटिंग नाम की एक सेटिंग है, उसे आपने जो है यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपके डिवाइस में कहीं भी हो सकती है, तो मेरे डिवाइस में ये है तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे दोस्तों, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपने वही ऑप्शन चूज़ करना है जो मैं आपको बताऊँगा। और भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर उनके बारे में आपको पता नहीं चलेगा तो आप उसके ऊपर जो है कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है वो है बैकअप पर जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऐप डाटा कॉल हिस्ट्री कॉन्टैक्ट्स डिवाइस सेटिंग SMS टेक्स्ट मैसेज। हाँ जी दोस्तों ये सबसे पहली सेटिंग है और आपने सेकंड वाली सेटिंग भी देखनी है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों इसको आप अगर आप अपना फ़ोन जो है फॉर्मेट करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपना फ़ोन जो है हार्ड रिसेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जो है बैकअप नाउ पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा आपका जो ऐप डाटा है वो बैकअप हो जाएगा, कॉल हिस्ट्री जो है वो भी बैकअप हो जाएगी, कॉन्टैक्ट्स जो है आपके फ़ोन में वो भी आपके यहीं बैकअप होकर सेव हो जाएंगे और डिवाइस की सेटिंग जैसे कि आपने फ़ोन की सेटिंग करके रखी हुई है, आप चाहते हैं कि वैसे ही वो आपकी सेटिंग मिले, आपको दोबारा वो सेटिंग करने ना पड़े, तो वो भी यहाँ पर डिवाइस सेटिंग भी यहाँ पर जो है बैकअप हो जाएगा। और SMS टेक्स्ट मैसेज, हाँ जी दोस्तों अगर आपके फ़ोन में टेक्स्ट मैसेज आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो मैसेज भी आपके डिलीट ना हो, वो भी यहाँ पे जो है बैकअप हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पहली सेटिंग और ये काफ़ी यूज़ आने वाली है आपकी सेटिंग। अब जो है नेक्स्ट सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे, तो वो सेटिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज की जनरेशन में ये सेटिंग का यूज़ करना चाहिए, वो है पेरेंटल कंट्रोल। हाँ दोस्तों पेरेंटल कंट्रोल मतलब कि पेरेंट्स का कंट्रोल अपने बच्चों पर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने जब गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे तब जो है इसके बाद जो प्रोसेस होगा वो आपने इसको फॉलो करना है। उसके बाद क्या होगा, आपने जो आपके बेटा या बच्चा या आपके फैमिली का मेंबर उसका जो ईमेल आईडी आपने यहां पे उसके साथ अटैच करना है और ये पिन वगैरह सेंड करेगा उस नंबर पे, तो आपने जो है सभी को रजिस्टर करके जो है पेरेंटल कंट्रोल को जो है आपने जो पेरेंट्स कंट्रोल है अपने ईमेल, मतलब कि आप अपने बच्चे पे पूरी नज़र रख पाएंगे, मतलब कि जब आप चाहेंगे कि वो अपना फ़ोन का लॉक खोले तभी वो लॉक खोल पाएगा और जब अगर आप चाहेंगे कि वो कॉल करे तभी कॉल कर पाएगा और आप पूरी नज़र रख पाएंगे अपने बच्चे पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, मतलब कि आप अपने बच्चे का जो ईमेल आईडी है वो अपने साथ अटैच कर सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा है, आप अपने बच्चे पे बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। और बाकी अगर इसके ऊपर मुझे फुल रिव्यू के ऊपर वीडियो बनानी होगी तो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर मैं इस पर वीडियो अभी बताऊँगा तो वीडियो जो है काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।